नमस्ते काकू, नमस्ते क्लाउस, नमस्ते नमस्ते। तो गाइस स्वागत है यार आप सभी लोगों का, एक न्यू अपडेट आ चुका है हमारे गेम के अंदर एंड आज हमारे साथ है गाकू। हेलो गाकू। हाय, आई एम गाकू। एंड हमारे साथ है क्लाउस। हेलो क्लाउस। हे, सो गाइज आज हमारे साथ गाकू और क्लाउस दोनों के बेसेस है। अगर आप लोग गाकू के ऊपर देखोगे तो वो गाकू का बेस है, क्लाउस के ऊपर देखोगे तो क्लाउस का बेस है। आज क्लाउस और गाकू दोनों अपना बेस अपग्रेड करने वाले, जेम्स के साथ, बुक्स के साथ, हैमर्स के साथ, एंड उसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर न्यू ब्रांड न्यू सुपर ट्रूप सुपर बॉलर के साथ अटैक करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी डायरेक्ट बढ़ने वाले हम लोग अपग्रेडिंग की तरफ। सो 3 2 1 गो। चलो गाइस देखते कौन सबसे पहले अपग्रेड करता है। ओके, गाकू इज अपग्रेडिंग एक्सबो। ओके, फाइनली गाकू ने लेवल 9 का एक्सबो कर दिया। ओके, गाकू वापिस एक्सबो अपग्रेड कर रहा है। ओके, क्लाउस देख रहे बिल्डर का सजेशन क्या है, गाकू भी यहाँ पे बिल्डर का सजेशन देख रहे। वापिस गाकू ने यहाँ पे अपडेट कर दिया अपना एक्सबो। यहाँ पे क्लाउस ने भी एक्सबो सबसे पहले अपग्रेड किया है अपने हैमर के साथ। गाकू ने सारे के सारे एक्सबोज कर दिए यहाँ पे गाइस मैक्स। यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस है गाकू के पास, क्लाउस से ज्यादा रिसोर्सेस है, क्लाउस से ज्यादा बुक्स है। ओके, यहाँ पे क्लाउस भी अपडेट करना स्टार्ट कर चुके हैं अपने एक्सबो को। बुक ऑफ बिल्डिंग यूज कर लिया और यहाँ पे एक्सबो कर दिया इन्होंने मैक्स। गाकू के तो सारे के सारे चीजें अपग्रेड हो चुकी है, सारे के सारे जो एक्सबोज है। मोटर पे अभी लग चुके हैं, मोटर अपग्रेडिंग पे। और यहाँ पे जो सीजन चैलेंजेस है वहां से रिवॉर्ड्स भी कलेक्ट कर रहे हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी इनके पास गोल्ड मिले और जल्द से जल्द मोटर अपग्रेड करें। और यहाँ पे क्लाउस भी गोल्ड के पीछे भागते हुए सारे के सारे रूम्स यूज कर लिए, जितने भी रूम्स थे। गोल्ड की सबसे ज्यादा कमी है इस अपग्रेडिंग के लिए। तो फिलहाल गाकू यहाँ पे आगे है। वापिस गाकू ने यहाँ पे एक और रून ऑफ गोल्ड इस्तेमाल कर लिया। क्लाउस ने यहाँ पे एक्सपोज कर लिए मैक्स। गाकू ने भी यहाँ पे जो मोटर से उनको भी मैक्स करना चालू कर दिया है एंड लगभग सारे के सारे मोटर हो चुके हैं गाकू के, बस एक ही मोटर बचा हुआ है। गोल्ड की तलाश करते हुए क्लाउस भी यहाँ पे रून ऑफ गोल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे। और यहाँ पे हैमर ऑफ बिल्डिंग का इस्तेमाल किया क्लाउस ने, हैमर ऑफ बिल्डिंग के साथ मोटर अपग्रेड कर दिया। बस गाकू ने सारे के सारे डिफेंसेस मैक्स कर लिए हैं। बस गाकू के पास अभी ट्रूप्स बचे हैं, ट्रूप्स मैक्स करना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाकू। एंड यहाँ पे क्लाउस के भी लगभग, क्लाउस के भी सारे के सारे जो बिल्डिंग्स हैं, जो डिफेंसेस हैं, वो अपग्रेड हो चुके हैं। एंड क्लाउस ने भी यहाँ पे कर ही लिए, बस दो मोटर्स बचे हैं यहाँ पे क्लाउस के। क्या बात है गाइज, क्लाउस के पास भी यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस है। ये एक और मोटर बचा हुआ है एंड यहाँ पे वापिस एक और रून ऑफ गोल्ड इस्तेमाल कर लिया क्लाउस ने। और ये आखिरी वाला, ये बात, यहाँ पे क्लाउस ने भी अपग्रेड कर लिया अपना पूरा बेस मैक्स। एंड अभी बारी आती है ट्रूप्स की। आर यू रेडी फॉर ट्रूप्स गाकू एंड क्लाउस? यस। ओके, लेट्स गो। सबसे पहले यहाँ पे गाकू माइनर को अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि गाकू एक नंबर के हाइब्रिड अटैक करते हैं, बहुत पावरफुल हाइब्रिड। लेकिन इन्होंने माइनर की जगह ये क्या अपग्रेड करना चालू कर दिया, बेस देख रहे हैं। अभी ढूंढ रहे एलिक्सर, अभी एलिक्सर की बहुत ज्यादा कमी है तो एलिक्सर कलेक्ट कर रहे हैं गाकू यहां से। बॉलर अपग्रेड कर लिया यहां पे क्लाउस ने। ओके, यट्टी को अपग्रेड कर लिया है यहां पे गाकू ने। और क्या क्या बचा है गाकू के पास? बॉलर, 3 ट्रूप्स बचे हैं यहां पे। हॉग राइडर करने जा रहे हैं यहां पे गाकू। फाइनली हॉग राइडर को भी कर लिया। एंड क्लाउस ने यहां पे हैमर परचेस कर लिया है शॉप से। यहां पे जेम्स के साथ अपग्रेड कर दिया गाकू ने, क्या बात है, जेम्स के साथ अपग्रेड कर दिया। बॉलर अपग्रेड करने जा रहे गाकू, बॉलर को भी अपग्रेड कर दिया। गोलम अपग्रेड करने जा रहे क्लाउस, गोलम को कर दिया अपग्रेड हैमर ऑफ फाइटिंग के साथ। यहां पे बस एक हॉग राइडर बचा हुआ है क्लाउस के लैबोरेटरी में। एक आखिरी यहां पे बचा हुआ है, कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है यहां पे गाकू का क्योंकि शायद वो कुछ परचेस करना चाहते हैं अपने दूसरे अकाउंट से। एंड ये जो हॉग राइडर है, हॉग राइडर को कर दिया है क्लाउस ने मैक्स। एंड सारी की सारी चीजें इस बार क्लाउस ने कर ली है कंप्लीट। लेकिन स्टिल यहां पे क्लाउस के पास 2 बचे हैं, माइनर बचा हुआ है, माइनर को कर दिया यहां पे मैक्स। अब यटी बचा हुआ है क्लाउस के पास, आखिरी ट्रूप, लास्ट ट्रूप बचा हुआ है यटी। लेट्स सी अभी क्लाउस क्या करते हैं यहां से।
यहाँ पे रिसोर्सेस में ढूंढ रहे हैं एलिक्सर का, कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन एलिक्सर में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से क्या कलेक्ट करेंगे? जेम्स तो बहुत सारे हैं, अब किसके साथ अपग्रेड करेंगे? यहाँ पे गाकू का बचा हुआ है गोलम और क्लाउस का बचा हुआ है यटी। ओके, डार्क कलेक्ट कर लिया सीजन चैलेंजेस से गाकू ने। एक आखिरी बचा हुआ है गोलम गाकू का और क्लाउस का बचा हुआ है यटी। अरे बाप रे, रिसोर्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे गाकू ने कर लिया है गोलम को अपग्रेड। गाकू ने वापस खत्म कर दिया है। एंड आई थिंक क्लाउस, यस क्लाउस के पास अभी भी एक रून ऑफ एलिक्सर है, वॉल अपग्रेड कर रहे हैं। नाइस, रून ऑफ एलिक्सर, ये बात, ये यूज कर लिया। अभी आएंगे लेबोरेटरी में एंड यटी को करेंगे अपना मैक्स। ये रहा यटी, किधर है यटी, ये रहा यटी, एंड इसको करेंगे अब गी। एंड 1900 जेम्स जाने वाले हैं, उड़ा दिए 1900 जेम्स भाई साहब। सो दोनों के दोनों प्लेयर्स ने यहाँ पे अपने बेसिस मैक्स कर लिए हैं, सारे के सारे डिफेंसेस मैक्स कर दिए और ट्रुप्स भी मैक्स कर दिए। सो गाइस, अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे गाकू का प्रोफाइल भी मैक्स हो चुका है और क्लाउस का प्रोफाइल भी मैक्स हो चुका है। अभी हम लोग देने वाले हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज दोनों प्लेयर्स को। दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन कौन से ट्रुप के साथ अटैक करेंगे? ब्रांड न्यू ट्रुप सुपर बॉलर के साथ अटैक करने वाले हैं। तो चलेंगे अभी हम लोग डायरेक्ट अटैक की तरफ। सो अभी फिलहाल दोनों प्लेयर्स अपनी अपनी आर्मी बना रहे हैं। गाकू की आर्मी क्या है यहाँ पे? ये क्वीन चार्ज सुपर बॉलर करेंगे क्या गाकू? और क्लाउस, क्लाउस का भी लगभग सेम है, क्लाउस ने भी यहाँ पे पांच, मिनिमम इनको पांच सुपर बॉलर्स यूज करने हैं। लेट्स सी गाइस, कौन सी न्यू स्ट्रेटजी हम लोगों को दोनों की साइड से देखने को मिलती है। ओके गाइस, गाकू आ चुके हैं यहाँ पे अटैक के लिए। कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो पांच हिलर्स, पांच सुपर बॉलर्स, चार बलून्स भी, एक हील स्पेल भी लिया है, क्या बात है, देखते हैं गाइस। 3 o'clock से गाकू ने चालू कर दिया है यहाँ पे अपना ग्रैंड वार्डन के साथ वॉक। यहाँ पे कोई भी बलून डिप्लॉय नहीं करा है क्योंकि इलेक्ट्रोल है यहाँ पे, तो एक आर्चर भी डिप्लॉय कराए जिससे कि आर्चर कम से कम टाइम ले ग्रैंड वार्डन का और टाइम बच जाए यहाँ पे। ग्रैंड वार्डन के साथ आ गई, कंपार्टमेंट डाउन करेंगे। ऊपर की साइड पे 12 o'clock पे एक यटी आ चुका है। नाइस, ग्रैंड वार्डन थोड़ा सा बाहर आ चुका है, बस ग्रैंड वार्डन अपना रास्ता ना भटक जाए। नहीं भटकेगा क्योंकि ग्रैंड वार्डन की रिंग एक ऐसी मतलब जड़ी बूटी है जिसके अंदर अगर आप लोग ट्रुप डालोगे तो ग्रैंड वार्डन उनको फॉलो करने लगता है। तो ये यही एक ग्रैंड वार्डन वॉक की सबसे खास बात है। जो क्वीन चार्ज जितना मुश्किल है उतना मुश्किल ये ग्रैंड वार्डन चार्ज है नहीं। तो अभी ग्रैंड वार्डन जाएगा, पीछा करेगा, यहाँ पे वापस हिलर डिप्लॉय कर दिए, एक बार्बेरियन किंग, एक ब्लिंप इस्तेमाल करिए, सारे के सारे बॉलर्स आ चुके हैं कोर में, किंग भी कोर में, जंप स्पेल डिप्लॉय कर दी। ग्रैंड वार्डन की जो एबिलिटी थी एकदम परफेक्ट, एक हेड हंटर डिप्लॉय कर दिया इन्होंने। नाइस, एक और रेज स्पेल इन्होंने डिप्लॉय कर दिया। सुपर बॉलर्स एकदम क्या ही पावरफुल काम कर रहे भाई साहब। बाउंस देखो यार उनका, सीसी तक बाउंस जा रहा है और सीसी को डाउन भी कर लिया। यटीज टाउन हॉल के पास जा चुके हैं एंड टाउन हॉल के ऊपर एक फ्रीज इन्वेस्ट करनी पड़ी। मैक्स लेवल के यटीज हैं यहाँ पे, लेट्स सी क्या ये मैक्स लेवल के यटीज टेक डाउन कर पाएंगे टाउन हॉल को। ओ माय गॉड, बहुत ही कम हेल्थ बची हुई है। रॉयल चैंपियन है अभी भी, रॉयल चैंपियन को डिप्लॉय नहीं कराया गाकू ने। ओके, डायरेक्ट टाउन हॉल के ऊपर डिप्लॉय कर दिया रॉयल चैंपियन को एंड एबिलिटी यूज कर ली, लेकिन जो स्केलेटन्स है वो प्रॉब्लम दे रहे हैं। नाइस इनविजिबिलिटी स्पेल, परफेक्ट। अभी भी क्वीन के पास यहाँ पे एबिलिटी बची हुई है। रॉयल चैंपियन ने अपना काम कर दिया, अगर ब्लिंप अपना काम कर देती ना मेरे हिसाब से रॉयल चैंपियन यहाँ पे स्वैग हो सकती थी। अभी भी देखो भाई अटैक में मतलब कितनी सारी चीजें बची हुई है, दो तीन, अरे पांचों के पांचों सुपर बॉलर जिंदा है, क्या बात है। ये एक दो तीन चार, पांचों किधर गया, मर गया लगता है। तो गाइस, पांच में से चार सुपर बॉलर्स अभी भी जिंदा है और हिलर्स यहाँ पे सुपर बॉलर को हिल कर रही है। आर्चर क्वीन के पास एबिलिटी तक बची हुई है। गाइस क्या ही अटैक करा है यहाँ पे गाकू ने, एकदम पावरफुल अटैक। पांच सुपर बॉलर्स यूज कर रहे थे, चार सुपर बॉलर्स अभी भी जिंदा है, क्या बात है। हिलर जिंदा है, ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी यूज हो चुकी है, क्वीन के पास एबिलिटी बची है, यूज कर ली। एंड गाइस, गाकू ने यहाँ पे कर दिया है सुपर बॉलर के साथ थ्री स्टार अटैक, यटी एंड सुपर बॉलर स्मैश, क्या बात है गाकू, वेरी नाइस अटैक, क्या ही अटैक किया है गाकू ने, मस्त अटैक था। ओके गाइस, तो क्लाउस भी आ चुके हैं अटैक करने के लिए। पांच सुपर बॉलर, पांच हिलर्स, ये तो वैसी आर्मी है, सुपर बॉलर स्मैश, एक यटी भी लिया है। देखते गाइस कितनी पावरफुल काम करती है ये स्ट्रेटजी इस बेस के ऊपर। टाउन हॉल कंपार्टमेंट बहुत ज्यादा हेवी कंपार्टमेंट है, तो सबसे पहले कहाँ से डिप्लॉय करेंगे, कौन से ट्रुप्स डिप्लॉय करेंगे देखेंगे।
तो सबसे पहले क्वीन डिप्लॉय करी है इन्होंने लगभग 5 o'clock पे। तो क्वीन के साथ चार्ज इन्होंने चालू किया, 2 ही सुपर वॉल ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया है, कोई भी जंप स्पेल इन्होंने नहीं लिया है, 5 रेड स्पेल्स का इस्तेमाल किया है और 2 ही यहाँ पे इनके पास सुपर वॉल ब्रेकर है। बलून डिप्लॉय कर दिया, कोको लून। आई थिंक क्वीन यहाँ से अंदर जाएगी। क्या बात है गाइस, क्वीन बिल्कुल परफेक्ट अंदर जा चुकी है। एक हेड हंटर का भी इस्तेमाल किया है, यूनिकॉर्न को यहाँ पे जो कैनन्स हैं वो मार रहे हैं। यूनिकॉर्न शायद तो मर जाएगा, बच गया भाई, यूनिकॉर्न बच चुका है यहाँ पे। सो एक हेड हंटर डिप्लॉय कर दिया बारबेरियन किंग के ऊपर, क्या बात है। तो यहाँ पे एक रेज इनका बच चुका है, स्टिल 5 रेज स्पेल्स इनके पास बचती है। अभी भी इनके पास बहुत सारे ट्रूप्स हैं, टाइम भी बहुत अच्छा खासा है। सीसी के अंदर से 3 आइस गोलम्स निकल चुके हैं और यहाँ पे इन्होंने लॉग लॉन्चर का इस्तेमाल किया है। गोलम्स निकल चुके हैं बाहर, अभी यहाँ पे गोलम्स थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेंगे क्वीन का, लेकिन देखना ये पड़ेगा क्या टाइम रहता है ये ट्रिपल हो पाएगा, क्योंकि पहले 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर 16% की वैल्यू इनको मिली है। ग्रैंड वार्डन भी डिप्लॉय कर दिया। आई थिंक बारबेरियन किंग बेस के बाहर से घूमेगा और पूरी आर्मी यहीं से आएगी। तो फनल तो एकदम प्रॉपर बना लिया है, एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन, बस हिलर्स यहाँ पे टारगेट हो रही है। अरे बाप रे, बारबेरियन किंग को भी बेस के अंदर ले जाने की कोशिश। 2 यहाँ पे डाल दिए बलून्स, सारे के सारे सुपर बोलर्स, यटी को डिप्लॉय कर दिया फनलिंग के लिए, सारे के सारे सुपर बोलर्स स्कोर में जा रहे। एक और वॉल ब्रेकर, क्या बात है गाइस, यहाँ पे जो लॉग लॉन्चर है वॉल फोड़ने का काम कर रहा है, परफेक्ट जा रहा है अब तक तो एकदम परफेक्ट है, कोई गुंजाइश नहीं है फेल होने की। सारे की सारी जो चीज़ें हैं, सारे के सारे ट्रूप्स एकदम कोर में कॉन्सेंट्रेटेड है, हिलर्स भी कॉन्सेंट्रेटेड है, परफेक्ट फ्री स्पेल डिप्लॉय कर दी यहाँ पे, ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी तक बची हुई है। सारे के सारे ट्रूप्स कोर में 3 जंप स्पेल डिप्लॉय कर दिया, वापस फ्री स्पेल आ चुका है। भाई साहब वार्डन की एबिलिटी अभी तक होल्ड करके रखी है, अब यूज कर ली फाइनली। एंड अगर हम लोग देखेंगे बेस के अंदर ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बस एक टेस्ला फार्म बचा है, 2 रेड स्पेल्स अभी भी बची हुई है, एक इनविजिबिलिटी स्पेल भी है। अरे बाप रे गाइस, ये क्या हो गया यार, इतने खतरनाक। वापिस रेड स्पेल यहाँ पे इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है अपने रॉयल चैंपियन के ऊपर। 5 यहाँ पे इन्होंने यूज कर रहे थे सुपर बॉलर्स और लिटरली गाइज एक भी सुपर बॉलर यहाँ पे मरा नहीं है, सारे के सारे सुपर बॉलर्स जिंदा है यहाँ पे। और टाइम की तो मतलब मेरे को लग रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं टाइम फेल होने की चांसेस हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, सुपर बॉलर बहुत तेजी से काम किया सुपर बॉलर्स ने। गाइज ये क्या ही अटैक है यार, और एक स्पेल का स्वैग भी मार दिया, 5 सुपर बॉलर्स अभी भी जिंदा है और ये एकदम इजिली 3-star कर दिया है क्लाउज ने सुपर बॉलर्स के साथ। क्या ही अटैक करा है क्लाउज ने, मजा आ गया क्लाउज का अटैक देख के। Klaus, it was a really nice attack. So guys, अभी वापस 1v1 FC होने वाला है दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे ये FC होने वाला है कि दोनों को अपने फेवरेट ट्रूप्स यूज करने हैं और दोनों एक दूसरे को सबसे मतलब उनका फेवरेट और सबसे खतरनाक बेस लेआउट देने वाले हैं। तो देखते हैं 1v1 में उनकी फेवरेट आर्मीज के साथ कौन सा अटैक करेंगे। ओके गाइज, गाकू आ चुके हैं यहाँ पे अपनी फेवरेट आर्मी के साथ। लेट्स सी गाकू कौन से आर्मी के साथ अटैक कर रहे हैं। और बाप रे, ये तो इनकी न्यू हाइब्रिड आर्मी जो कि अपडेटेड वर्जन है, लेवल 8 के माइनर्स और लेवल 11 के हॉक्स। क्वीन चार्ज चालू कर दिया है गाकू ने यहाँ से। ओके, सारे के सारे हिलर्स इन्होंने कर दी डिप्लॉय, टाउन हॉल कंपार्टमेंट में लेके जाएंगे शायद क्वीन को। ओके, यहाँ पे फनल बना लिया सुपर गॉब्लिन के साथ। ओके, रेड स्पेल भी डिप्लॉय कर दिया, क्वीन के लिए एक ऐसा रास्ता बना दिया है जिससे कि क्वीन अभी बाहर आ ही नहीं सकती, टाउन हॉल के ऊपर ही जाएगी। ये देखना पड़ेगा सीसी के अंदर क्या होता है, आई थिंक आइस गोलम्स हो सकते हैं सीसी के अंदर। बहुत सारे आर्चर्स निकल रहे हैं यहाँ से, अरे बाप रे, अरे ये तो आर्चर्स और सुपर मिनियंस हैं। भाई साहब क्वीन मर ना जाए, अरे भाई साहब जे बात, 2 एक्सपोज मार रहे हैं उसके बावजूद क्वीन को मरने नहीं दिया। टाउनल के ऊपर क्वीन लॉक हो चुकी है, किंग और SB डिप्लॉय, सारे के सारे माइनस डिप्लॉय कर दिए, हॉग राइडर्स आ चुके हैं। गाइज अपडेटेड हाइब्रिड देखना पड़ेगा कितना स्ट्रांग है। क्वीन यहाँ पे टाउनल के पॉइजन में नहीं है जो कि बहुत अच्छी बात है। बारबेरियन किंग और SV के जो ट्रुप्स है वो बेस के बाहर काम कर रहे हैं, क्वीन लेफ्ट साइड में, और जो बचा हुआ बेस है वो हॉक्स और माइनस अपना काम कर रहे हैं। हेड हंटर्स डिप्लॉयड, परफेक्ट एबिलिटी ग्रैंड वार्डन की, सारे के सारे ट्रुप्स ग्रैंड वार्डन एबिलिटी के अंदर थे। एंड यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी मिस हो चुकी है,
मतलब रेथ स्पेल तो उन्होंने डाल दिया था, लेकिन सिंगल ने पकड़ लिया क्वीन को इतना तेजी से कि क्वीन बचा ही नहीं पाई खुद की एबिलिटी। गाइस बहुत सारे हॉक्स, अरे ये तो बड़ा पावरफुल अटैक जा रहा है गाइस। गाइस मुझे ये बोलना पड़ेगा, हाइब्रिड वापस अभी हम लोगों को बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। आर्मी देख रहे हो गाइस, कितनी सारी आर्मी बची हुई है। माइनर्स है, हॉक्स है, क्वीन अभी भी जिंदा है, किंग तो मरा ही नहीं है, एसबी का पिक्का भी मरा नहीं है, बहुत सारे माइनर्स हैं, दर्जन भर माइनर्स तो जिंदा होंगे। इनविजिबिलिटी स्पेल डाल दी क्योंकि बची हुई थी, एंड लिटरली बहुत कम समय में ये हाइब्रिड ट्रिपल निकाल दिया। क्वीन का काम बस टाउन हॉल कंपार्टमेंट खाना था, बाकी पूरा बेस हाइब्रिड के साथ अटैक करके एकदम इजीली 3 स्टार निकाल दिया गाकू ने। ओके गाइस, क्लाउज आ चुके हैं यहाँ पे अटैक के लिए। आर्मी अगर हम लोग देखेंगे, अरे भाई साहब, बाप रे बाप, 6 गोलम्स वो भी लेवल 11 के, 12 इन्होंने यहाँ पे बोलर्स यूज करे हैं लेवल 6 के। बार्बेरियन किंग को डिप्लॉय कराया सबसे पहले इन्होंने, लेट्स सी। एंड यहाँ पे इन्होंने डिप्लॉय कर दिया अपने एक विजर्ड को बार्बेरियन किंग के साथ, शायद ये टेक डाउन करना चाहेंगे कंपार्टमेंट इन्फिर्नो वाला। वॉल ब्रेकर भी डिप्लॉय कर दिया, बार्बेरियन किंग कंपार्टमेंट के अंदर जा चुका है सक्सेसफुली। एबिलिटी भी बची हुई है किंग के पास, सक्सेसफुली एबिलिटी यूज्ड। एंड क्या यहां पे टेक डाउन कर पाएंगे रॉयल चैंपियन को, ये बात, सक्सेसफुली टेक डाउन कर लिया। यहां पे एक गोलम और क्वीन को डिप्लॉय कर दिया, वापस एक और गोलम आ चुका है पीछे से, इन्होंने कर दिया डिप्लॉय बहुत सारे अपने बॉलर्स, वापस गोलम पीछे से, वापस बॉलर्स, क्या बात है गाइस। अभी भी 3 गोलम्स बचे हुए हैं, 3 गोलम्स और ये जो इनके पास बचा हुआ है लॉग लॉन्चर, वो देखना पड़ेगा कहां से डिप्लॉय करते हैं। किंग ने तो अपना काम कर दिया, जो काम करना था बार्बेरियन किंग को, बार्बेरियन किंग ने अपना काम वो कर दिया। यहाँ पे गोलम्स भाई, ये तो मतलब वो एक सब्जी की तरह दिख रहे, वो होते हैं ना अंग्रेज सब्जी, वो हरे रंग की, वैसे वैसे दिख रहा है ये गोलम, जो फटने के बाद दिखता है वैसे। सो फिलहाल यहाँ पे एक गोलम बचा हुआ था, वो भी डिप्लॉय कर दिया। वॉल ब्रेकर्स के साथ वॉल ब्रेक्स करिए बहुत सारी, लॉन्ग लॉन्चर इन्होंने कर दिया डिप्लॉय। ओके अभी भी सारे के सारे हीरोज के पास एबिलिटी बची हुई है। क्वीन यहाँ पे गोलम्स को टारगेट कर रही है, छोटे छोटे गोलम्स को। लॉन्ग लॉन्चर यहाँ पे जितनी भी वॉल्स बची हुई है वो वॉल्स फोड़ देगा, टाउन हॉल तक रास्ता एकदम आराम से बना लेगा, ठीक है। तो देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या होता है। सीसी निकल चुकी है, सीसी के अंदर से हेड हंटर्स और आइस गोलम्स निकल चुके हैं, क्या बात है। यहाँ पे बहुत सारे गोलमाइट्स बचे हुए हैं, रॉयल चैंपियन इन्होंने डिप्लॉय कर दी डायरेक्ट बीच वाले मल्टी के ऊपर, क्या बात है। यहां से बीच वाला मल्टी इनको रॉयल चैंपियन के साथ मिल जाएगा। 4 फ्रीज, 2 इनविजिबिलिटी स्पेल्स अभी भी बची हुई है गाइस, ये कुछ अलग ही लेवल का अटैक है। ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी परफेक्ट टाइम पे यूज कर ली गाइस। स्पेल्स देख रहे हो कितने सारे स्पेल्स बचे हुए हैं क्लाउस के पास, 6 स्पेल्स अभी भी बचे हुए हैं। क्वीन की एबिलिटी है, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी है, टोर्नेडो ट्रैप ट्रिगर हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बेस के अंदर कुछ नहीं बचा। यही तो रीजन है गाइस क्लाउस का, देखा आप लोगों ने अटैक, क्या ही तगड़ा, क्या ही पावरफुल अटैक करा क्लाउस ने इस बेस के ऊपर। 6 स्पेल्स अभी भी बचे हुए हैं, सारे के सारे स्पेल्स यहां पे कर दिए क्लाउस ने स्वैग, एक अलग ही आर्मी के साथ 3 स्टार करके दिखाया। ये था गाइस क्लाउस वर्सेस गाकू का फेवरेट आर्मी का 1v1 चैलेंज। तो गाइज ये था आज का हमारा न्यू टाउन हॉल 14 अपडेट चैलेंज विद गाकू एंड क्लाउज। आज हम लोगों ने कुछ सुपर बॉलर के अटैक्स देखे और क्लाउज का आखिरी वाला अटैक क्या ही अमेजिंग अटैक था। तो ये थे हमारे साथ हमारे गाकू, ये थे हमारे साथ हमारे क्लाउज, ये रहे उनके मैक्स बेसिस। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय क्लाउज, बाय गाकू, बाय बाय।